जय माता की। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आजकल हमारी चर्चा नंबर्स की सीरीज को लेकर चल रही थी। उसी सीरीज में आप ही लोगों की डिमांड पर आज हम स्वप्न शास्त्र के विषय में चर्चा करेंगे। आप सभी लोग इस शास्त्र के बारे में जानते हैं क्योंकि स्वप्न हर कोई व्यक्ति देखता है और उससे भली प्रकार से जुड़ा भी हुआ होता है। आप सभी लोग विभिन्न प्रकार के सपने देखते हैं जिसमें से कुछ स्वप्न सिद्ध हो जाते हैं, कुछ अगले ही दिन सिद्ध हो जाते हैं, कुछ को सिद्ध होने में समय लगता है। तो आज हम ये जानेंगे कि जो स्वप्न आप देखते हैं उनका क्या अर्थ होता है और अगर आप सपने में जिन चीजों को देखते हैं वो किस चीज के लिए जिम्मेदार होती हैं, वो आपको क्या बताना चाहती हैं। इस शास्त्र को मैं बचपन से ही अध्ययन करते आ रहा हूं और मैंने देखा कि ये स्वप्न जो होते हैं काफी हद तक हमें आगे की जानकारी के बारे में बताने के लिए ही आते हैं, हमें सावधान करने के लिए आते हैं और हमें आगे आने वाली समस्याओं को दृष्टिगत रूप से पहचानने के लिए हमारे ऊपर एक उपकार करते हैं, जिससे हम इन स्वप्नों को अगर समझ सकें और अगर हम इन स्वप्नों को समझकर इनके अनुसार जो इनका रिजल्ट है उसे मान लें तो हमारा जीवन काफी हद तक आसान हो सकता है। तो आज हम उसी स्वप्न शास्त्र के बारे में चर्चा करेंगे। मैं आपको इससे अगली वीडियोस में, ये वीडियो काफी छोटी होने वाली है और मैं आपको अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा कि अगर आप दिन के समय में स्वप्न देखते हैं या शाम के समय में स्वप्न देखते हैं या आपने सुबह 3 से 6 के बीच में स्वप्न देखा है या सूर्योदय से 1 घंटे पहले स्वप्न देखा है तो उसे सिद्ध होने में कितना समय लगेगा, क्योंकि ये भी आप में से ही कई जातकों का प्रश्न था। रही दूसरी बात, आज हम जिस चीज के बारे में चर्चा करेंगे वह है एक स्वप्न। आज हम जिस स्वप्न के बारे में चर्चा करेंगे वह यह है, आप में से ही एक जातक ने मुझसे पूछा कि मुझे कई बार स्वप्न में सम्मानित किया गया है, स्वप्न में सम्मानित होने का क्या अर्थ होता है। तो आप इससे सावधान हो जाएं क्योंकि स्वप्न में अगर सम्मानित किया जा रहा है तो इसका अर्थ है कि जल्दी ही किसी ना किसी कारण से आपको अपमानित किया जाएगा। स्वप्न में सम्मानित होने का तात्पर्य यही होता है कि जल्दी आप पे कोई विपत्ति या कष्ट आने वाला है जिस कारण आप अपमानित होने वाले हैं। तो ऐसे ही हम कई स्वप्न पर चर्चा करते रहेंगे आने वाली वीडियोस में। तब तक के लिए बने रहें हमारे इस चैनल पर और सब्सक्राइब अवश्य करें क्योंकि इस चैनल पर आपको ज्योतिष से जुड़ी, वास्तु से जुड़ी कई छोटी छोटी जानकारियां मिलेंगी जो आपके जीवन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती हैं और जीवन को पूर्ण रूप से बदल सकती हैं। इसीलिए बने रहिए हमारे साथ हमारे इस चैनल पर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय माता की।